में स्वयं मंत्री था, एक जमीन का चयन भी किया गया था जो कि मशरूम फार्मर्स हॉस्टल के नाम से हम बनाना चाह रहे थे और जिसके लिए तकरीबन 4,26,00,000 की धनराशि उस वक्त से लेकर मिली हुई है और जो हमारे पास अभी भी पड़ी है और वो सैंक्शन अभी भी है। इसके अलावा 2,03,00,000 टेंडर हिमुडा के पास दिया है जिसका कि 25% पैसा भी अग्रिम राशि रूप में जमा है और वो इसलिए है कि वहां पर एक अच्छा हमारा खाद का एक यूनिट लगे ताकि ठीक तरीके से ये खाद उपलब्ध हो और कुंभ की खेती में हमारे कृषकों को, हमारे युवाओं को किसी भी प्रकार का व्यवधान न पड़े। परंतु ये भी मुझे कहीं से सूचना मिली है कि इसका SMS और HOD को ही यहाँ से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाने का प्रयास किया गया है, शायद मंडी के क्षेत्र में ले जाने का प्रयास किया गया है। और मैं समझता हूँ कि ये सोलन की जनता के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, क्योंकि एक तो आजकल वैसे ही युवाओं को धक्के खाने पड़ते हैं चाहे कितनी भी शिक्षा लो, परंतु यदि उनके पास खुम्भ जैसी उत्पादन के लिए व्यवस्था है और सुविधा है तो उसे उनसे न छीना जाए, ऐसा मेरा मानना है। ये यहीं पे रहे और हम तो स्वागत करते हैं, सरकार यदि किसी दूसरे जिलों में, सब जिलों में मैं तो कहता हूँ इस प्रकार के छोटे छोटे संस्थान खोलें, बहुत अच्छी बात है, परंतु हम किसी भी हालत में सभी लोग एक प्रकार से सड़कों तक उतरने को तैयार हैं, वो इस यहाँ के संस्थान को, यहाँ के इंस्टीट्यूट को कहीं जाने नहीं देंगे। और इसीलिए हम, मैं डॉक्टर सैजल से भी प्रार्थना की है कि हम दोनों ही आसपास के क्षेत्र के हैं, सोलन और कसौली के, उनकी अध्यक्षता में भी हम CM साहब को भी मिलें और राज्यपाल महोदय को भी मिलें और अपनी बात रखें कि यहाँ पे अगर हम, मैंने तो स्वयं एज ए मिनिस्टर ये चीज़ वहाँ पे हॉस्टल की ज़मीन देखी है और अगर ये ज़मीन की कमी की बात है या कोई ऑप्शन हमें दूसरी देखनी है तो हमारे पास घट्टी और उस क्षेत्र में भी 48 बीघा ज़मीन है, हमारे पास घोड़ा में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ज़मीन उपलब्ध है, हम वहाँ भी इस इंस्टीट्यूट को ले जा सकते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना रहेगी सरकार से कि हम यहाँ के सोलन के साथ इंसाफ करें और सोलन के इस बहुत अच्छे ऐतिहासिक, मैं समझता हूँ, इंस्टीट्यूट को यहाँ से किसी भी हालत में ना बदलें। धन्यवाद।